रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं। सोने की राहों में सोने को जगह नहीं। साला इधर तो फुटपाथ भी हाउसफुल है। शोला है यहाँ है बिजुरिया, दिल की बजरिया मुंबई नगरिया। Hello and a warm welcome to our special program post Maharashtra Assembly elections verdict. As the state forms a new government, there are various communities and sections across Mumbai which are waiting in anticipation as to what the new government is going to do for them. Let's take you on a journey of hope inside country's commercial capital, that's Mumbai. If you've had washing done in Mumbai, chances are your clothes have already visited this 140-year-old Dhobhi Ghat or the place where clothes are washed. The whole hamlet is Mumbai's oldest and biggest human-powered washing machine. Every day, hundreds of people beat the dirt out of thousands of kilograms of soiled Mumbai clothes and linen in 1,026 open-air troughs. We are right now at Asia's biggest washing ghat, and the community here, that of the Dhobis as what you call, are a community with problems galore. Let me speak to a few of the people here. Aapka naam kya hai? Mera naam Achhelal Kanojia hai. Acha Kanojia ji, ye bataiye ki is Dhobhi Ghat mein Asia ka sabse bada Dhobhi Ghat hai, lekin itni sari sarkare aayi gayi, sabse badi samasya kya hai jo abhi tak ki sarkaron ne aapki solve nahi ki? Sabse badi samasya pani ki hai, pani ki aur dusri saaf safai ki hai, gutter ki. अच्छा, यहाँ पे गटर इतना साफ नहीं था कि आप बच्चे यहाँ के आदमी इतना बीमार होते हैं, सब कंप्लेंट जो हॉस्पिटल में जाती है धोबी घाट से जाती है ज्यादा करके। लेकिन आप कहते हो कि जब पानी का सप्लाई नहीं है तो आपकी सप्लाई तो बीएमसी से यहाँ आती है ना, तो पानी वो आपको शॉर्ट पड़ता है, कैसे? बीएमसी से शॉर्ट इसलिए होता है कि अब पाइप फूट गया, कोई ध्यान नहीं देता है। इस धोबी घाट के लिए तो फंडिंग भी बहुत सारी हुई है, नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग आई है, वो फंड कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया? ऊपर लेवल पे सब खर्चा हो गया। ऊपर के लेवल मतलब ऊपर का नेता लोग, चेयरमैन जो ऊपर के है सब, एमएलए सब। आपका तो खुद का चेयरमैन यहाँ बैठता है, उसने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, किसी के लिए भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी है सब अपने लिए सब करते हैं। धोबियों के ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं, जो कुछ हमको करना है हम अपने जेब से खर्चा करके करें तो ही होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होता। आपका जो सुखाने वाला जो एरिया है जहाँ पे आप ड्राइंग करते हो कपड़ों की, वो सब क्या हुआ है? वो अभी भी वैसे ही है या बिल्डर्स को दे दिया गया? एक मिनट, एक से बिल्डर बहुत आ रहे हैं, कम से कम अभी तक 4 बिल्डर आ चुके हैं। पहले तो लोखंड वाला है, अभी फिर किमिया आए थे। तो क्या आप डरते हो, आप क्या डरते हो इस बात से कि एक दिन शायद ऐसा आएगा जब आपका ये धोबी घाट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? एक्चुअली डरने का नहीं है, जब है अपने ऊपर के लेवल वाले ही जब अपने से मतलब वो अपने फायदे के लिए अपना फायदा बिगाड़ रहे हैं तो हम जनता क्या कर सकते हैं। There are 735 washing areas at this Dhobhi Ghat, and each Dhobi is supposed to own that washing area. But the biggest irony is that the community here cannot claim ownership to that washing space. क्या आप इस बात को मानते हैं कि नेताओं ने बहुत फेवरेटिज्म किया है, जो आपका वॉशिंग स्पेस है जहाँ पर आप जिस पत्थर पे कपड़ा धोते हो उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है? बीएमसी में है मैडम, बाकी हमारा जो सोसाइटी है धोबी कल्याण धोबी, उसमें हम लोग का शेयर होल्डर नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपकी शेयर होल्डिंग उसमें नहीं है? चेयरमैन का प्रॉब्लम है। चेयरमैन का प्रॉब्लम मतलब? वो जो उनके जो खास है उनको शेयर होल्डर दे, बाकी किसको नहीं दिए। तो आप लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ आवाज नहीं उठाई? एक मिनट, सुनवाई नहीं होता है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होता, वहाँ जाओ तो उल्टी सीधे बातें सुनने को मिलती है। आपका जो पत्थर है, आपका पत्थर आपका नहीं है, इसके लिए आप लोगों ने कोर्ट में भी एक अर्जी लगाई है, उस पर कुछ बीएमसी से उस पर क्या पावती मिलता है? पावती हमारे पास है। अच्छा, बीएमसी आपको उसका, आपके पास पावती है उसका? सोसाइटी का चुनाव करने के लिए हमको शेयर होल्डर का चाहिए ना, जरूरी। ओके, तो इसी वजह से आपके सोसाइटी में कोई चुनाव नहीं हुआ, चेयरमैन नहीं बदला, आपके कहने का मतलब? अच्छा, और चेयरमैन बदलेगा भी नहीं अगर जब तक आपको ओनरशिप नहीं मिलेगा? जब तक नहीं मिला, जब तक चुनाव नहीं बदलेगा ही नहीं। ओके। Now the people here allege that if you stand here for a long while and raise your voice against the chairman, the bhais or the gundas will come and attack you. So before I get attacked, I think I should leave this place. The
The native fisher folk of Mumbai have been meeting the representatives of the previous governments in Maharashtra regarding the problems related to their business, like the need for a separate ministry, farming status for fisheries and subsidies on diesel, to name a few. But let's take a look at what their problems are and what their expectations are from the new government. There are 7 to 8 lakh fishermen in the entire Mumbai, but the original inhabitants of the maximum city are coolies who are also fishermen by profession. Despite all the development which the city has seen, they say that they are lagging behind and they need political and social empowerment. Now with the new government in place, what are the expectations of this community? Let's find out. Aapka naam kya hai sir? Mera naam Prithviraj Chandi. Acha Prithviraj ji, ye bataiye ki abhi tak aapki kin problems pe sarkaron ne dhyan nahi diya aur ab aapki kya demand hai is nayi sarkar se? Pichli sarkar thi, Aghadi sarkar. उन्होंने 2006 तक हम लोग को जो हम बोट में जो डीजल चढ़ाते हैं, डीजल जो हम लोग की ज़रूरत है, वो डीजल पे सेल टैक्स नहीं था। विदाउट सेल टैक्स हम लोग को डीजल मिलने की वजह से हम लोग को बहुत सी दिक्कतें कम होती थी। लेकिन 2006 के बाद अगाड़ी सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगा कि हमें डीजल खरीदना चालू किया और वो टैक्स हमें वापस देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया था। तीन महीने चार महीने के बाद वापस, मतलब कहने का मतलब है आपको रीइंबर्स करेंगे। रीइंबर्स करेंगे, हाँ बराबर। लेकिन आज हम देखते हैं तो सरकार हमें जो हमारा पैसा, हमारा हक का पैसा है जो टैक्स का, वो हमें वापस देने में बहुत देर कर रही है। आज के तारीख में हम लोग का 15 महीने का परतावा जो रीइंबर्समेंट के जरिए हमें पैसा मिलना चाहिए, 15 महीने का पैसा हमारा उधर पड़ा है गवर्नमेंट के पास, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ डीजल खरीदने के लिए पैसे की बहुत सी जरूरतें कम होती है, धंधा करने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये बताइए, जैसे आपका फिशिंग सीजन शुरू होता है, ये 3-4 महीने हैं जब फिशिंग सीजन बिल्कुल पीक पर होता है, तो अब अभी जब आप फिशिंग करते हो तो इसके पैसे जो डिलेड रीइंबर्समेंट है वो क्या आपको जाके नेक्स्ट सीजन में मिलता है? हाँ वही होगा ना, अभी 15 महीने बोलेंगे तो ये साल का पैसा हमें अगले साल में मिलेगा। तो आपकी क्या डिमांड है कि सेल्स टैक्स माफ किया जाए या रीइंबर्समेंट प्रोसेस को इजी किया जाए? इसके लिए दो जरिए है, एक तो रीइंबर्समेंट करना चाहिए, तो फिर इसके लिए हमारा जो पैसा है 3 महीने के बाद हमें वापस मिलना चाहिए। okay. या तो फिर विदाउट सेल टैक्स हमें डीजल की खरीदारी करने के लिए हमारी सहूलत दीजिए। Let's find out a few more issues with the Koli community here. आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रवीण भावे है। अच्छा प्रवीण जी, ये बताइए कि जो कोली समाज है आपका, उसमें कास्ट का एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज अभी तक कोलीज को ST स्टेटस नहीं मिला, जबकि कोलीज ट्राइबल्स हैं। उस पर आप अभी तक आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ST स्टेटस नहीं मिलने से, और अब आप नई सरकार से क्या चाहते हो? देखिए, पहले तो इंदिरा गांधी के ज़माने की बात में करूँ तो हमको ST के स्टेटस थे, और बाकायदा ऑफिशियली हमको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस भी किया था। उस बलौदत हमारे सब कोली कम्युनिटी के लोग बाकायदा सर्विसेज में जहाँ जहाँ पे काम करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा पॉलिटिकली महसूस वो लोग करने लगे, अपोजिशन लोग, कि अरे ये लोग को अगर ये सुविधा अगर ये मिलती है तो ये लोग और आगे सक्षम बन जाएंगे, ये लोग और आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने फिर पॉलिटिकली करके, खास करके जो कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने से मैं देख रहा हूँ अभी 15-25 साल से, कि ये लोग ये हमको ये सुविधा देने के लिए बाधाएं डालने लगे। तो बाधाएं डालने बेसिकली कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी कि आपको ST स्टेटस दिया जाए। बराबर, एक तो हम लोग पॉलिटिकली हम लोग सक्षम नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और ये लोग जो कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि हमको कोली समाज को इस फैसिलिटी से वंचित रखने का काम डे बाय डे करने लगे, इससे हमारे काफ़ी सारे लोग जो हमारे जो वर्कर्स हैं सर्विसेज करते थे वो लोग बेघर हो गए। अभी आप मैडम देखिए, 20-25 साल अगर कोई आदमी किस कंपनी में अगर काम करता है और उनको अगर उस बदौलत निकाला जाए तो उसको क्या करेगा, उसको कहाँ दूसरा नौकरी मिलेगा, कहाँ वो जॉब करेगा। सो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कोलीज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए एट द मोमेंट। ये तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग काफ़ी सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। Remember, as far as the problems of the fishermen are concerned, the problems don't end here. There is a huge fish market out there. There are a number of issues related to women over there. Let's go there and find out. आपको क्या problems हैं? अभी तक जो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और अब नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है? अभी जो हमारा ये मच्छी मार्केट से है जो मुंबई में जो 38 का 36 कौन कितने है, लेकिन वो ठीक तरह से
कभी साफ नहीं करते और ठीक तरह से जगह नहीं है। अच्छा। जो अभी चप्पल का दुकान भी कैसा होता है एसी में होता है, लेकिन हमारा मच्छी का जो बाजार आप खुद देखेंगे तो एकदम खराब परिस्थिति में है। जो जैसा ऐसा जब पाए पार्किंग को जगह चाहिए, कुछ अच्छा ग्राहक आ सकता है, हमारे भाव मिल सकते, ऐसा कुछ नहीं होता उधर। तो आपको आपके कहने का मतलब ये है कि जो फिशिंग एरिया, जो फिश मार्केट एरिया है, उसको हाई टेक्नोलॉजी से उसको और बेहतर बनाया जाए। जो अच्छा चीज चल रहा है दुकान, ऐसा हमें भी कुछ अच्छा बना के देगा अभी ये सरकार, तो हमें कुछ ये प्रॉब्लम नहीं आ सकता। हमारे जो मच्छी का जो भाव मिल रहा है वो हमें मिल नहीं रहा। Local train and Mumbai's middle class mostly travels by this mode. Let's find out from the commuters here as to what they are expecting from the new government. अब ये बताइए आपकी जो नई सरकार आ रही है उससे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें ये हैं कि अच्छे एजुकेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई और वैकेंसीज ही नहीं है, तो उसके वजह से थोड़ा सा वैकेंसीज वगैरह निकालना चाहिए। सेकेंडली अभी गवर्नमेंट सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पर ले रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ किसी को नहीं मिलती। मुंबई की ज़्यादातर जनता लोकल ट्रेन से चलती है, तो लोकल ट्रेन को लेकर आपकी कोई डिमांड्स हैं सरकार से? तो ये कि बड़ी उम्र वाले के लिए कुछ ना कुछ इनको सोचना चाहिए, चढ़ने उतरने में तकलीफ होता है, कोई पब्लिक सपोर्ट ही नहीं देते बड़ा पुराना आदमी को। पिछली बार जो बम धड़ाके हुए तो हमें ये करना कहना है सरकार को कि सुरक्षा और अधिक बढ़ा दीजिए। Short break at this point in time and return with plenty more on the other side. Back in a moment. Welcome back. You're watching our special program on the expectations from the new Maharashtra government. भैया ये जो डब्बा है ना, ये गलत एड्रेस पे जा रहा है। कैसा गलत एड्रेस पे जाएगा? The script of this film could possibly have had the man respond by pointing out that the quality of Mumbai's 125-year-old lunch delivery service has been studied by the likes of FedEx and Virgin Atlantic, or the fact that Prince Charles is a big admirer and invited them to his wedding. Organized into a flat structure of 200 self-managed teams of 25 individuals each, every dabbawala is an entrepreneur in his own right, responsible for negotiating prices with his own customer. But have you thought about the issues related to their trade? There are around 5,000 dabbawalas, or the people who provide tiffin service to the Mumbaikars. They serve around 3 to 4 lakh people throughout the maximum city. Let's find out from them as to what are the real problems and what are they really expecting from the new government. Aapka naam kya hai sir? Mera naam Bhausab Karun ji, Mumbai Jo Dhobhi Ghat. Acha ye bataiye aapki sabse badi samasya kya hai aur nayi sarkar se aapki kya demand hai? Bilkul hamara koi suvidha nahi hai, यहाँ पे साइकिल रखने के लिए जगह नहीं रहता है। हम लोग का एक घंटे का काम रहता है, किधर साइकिल रखने के लिए जगह नहीं, फुटबार में जगह रहने का ठिकाना नहीं है। हम लोग का आने का जाने का तो 5,000 आदमी लोग हैं, 125 वर्ष का परंपरा है। जब आप कहते हो कि आपके साइकिल की सेफ्टी नहीं है तो उस बीच में क्या होता है कि आपकी साइकिल उठा के ले भी जाते हैं बीएमसी वाले? म्युनिसिपैलिटी का बीएमसी वाला आता है, साइकिल लेके जाता था। हमारा घर का समस्या होता है, 5,000 डब्बे वाला इधर काम करता है 125 वर्ष से, अभी तक उसने घर का ही सवाल नहीं छोड़ा, हमारा उसका पास फाइल गए। आपके कहने का मतलब ये है कि आप सारे डब्बे वाले जितनी भी एसोसिएशन हैं वो नई सरकार से नए आप लोगों के लिए घर का डिमांड कर रहे हैं? घर का डिमांड जी, सरकार से दो ही दरख्वास्त किया था कि हमारे को हमारे आदमी को घर नहीं और साइकिल के लिए पार्किंग नहीं, और रेलवे में जो हमारा जो डब्बा आते हैं उसके लिए रेलवे में जो डब्बे रहते हैं ना दो तो हम लोग को मिल गए, लेकिन हम लोग और भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो और भी हम लोग मांग करेंगे। और घर का तो प्रश्न, आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो डब्बा जिसमें आप लोड करते हो जिन कंपार्टमेंट्स में, उन कंपार्टमेंट्स को दो से ज्यादा बढ़ाया जाए? हाँ।
There are close to 50,000 taxis on the roads of Mumbai, but there are not so many drivers. If you look at the list of their problems, it's ever increasing and ballooning. I am at one of the taxi stands at Central Mumbai. Let's speak to a few taxi walas here. अच्छा ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर सरकारों ने पहले ध्यान नहीं दिया? ऐसी थी बहुत सी समस्या है, जैसे कि भाई गाड़ी लाए, सब डीजल गाड़ी आया बॉम्बे में कंपनी से, वो भी कैंसिल करवाए, बोलता है धुआं निकालती है, उससे भी गाड़ी कैंसिल किया, वो तो पोल्यूशन फैलाती थी, इसलिए बोला ना, पोल्यूशन फैलाते, हमारे घर पे कहाँ बनाए थे वो, तो इंजन उनको देखने का, भाई कंपनी से आया इंजन तो उनको चेक करना चाहिए, टैक्सी वाला लाया वो कैंसिल किया, उसका कोई मुआवजा मिला ही नहीं। बहुत सारे ऐसे टैक्सी वाले हैं जो यूपी और बिहार से बाहर से काम करने के लिए आते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ तक लाइसेंस को इशू करने की बात है, वो किस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है और आपकी सरकार से क्या डिमांड है? वो क्या है कि इधर का हम लोग का प्रूफ मांगता है, पूरा घर का लाइट बिल है, वो जिसका है वो पढ़े लिखे है उसको रिन्यूअल नहीं होता है, हम लोग का प्रॉब्लम ये है, इसके लिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है, तो फिर क्या करेंगे, घर पे जाकर बैठना पड़ेगा ना। नहीं तो आप क्या चाहते हो कि आपकी जो लाइसेंस जो इशू करने की प्रक्रिया है उसको आसान करे सरकार, क्या डिमांड है आपकी? आसान करे वो अच्छा है ना। अच्छा लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोगों की इतनी बड़ी बड़ी यूनियन सारे पार्टीज के साथ बनी है, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, कि कोई भी यूनियन आप लोगों के लिए प्रॉपरली खड़ी होती है लेकिन कुछ उसका फायदा नहीं पहुँचता हमारे। क्यों, आपने कभी इसका जाँच नहीं किया, इस पर आपने फाइंड आउट नहीं किया? वो फाइंड आउट करते हैं तो वो लोग यही अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, समझ में आएगी, हमने अभी किया है, कोर्ट में केस डाला है, ये उसका रिजल्ट आएगा, ये ऐसा है, सब ऐसी बातें करते हैं। Remember the anti-toll agitations which engulfed various cities across Maharashtra. Parties like Shiv Sena even said that they will make Maharashtra toll-free. Let's find out. अच्छा ये बताइए कि शिवसेना ने बोला था कि महाराष्ट्र को टोल फ्री करेगी, अब तो नया सरकार बन गया है, आपको लग रहा है कि ये टोल फ्री कर पाएगी? ये टोल फ्री होता तो 5 रुपया बढ़ता नहीं था। उम्मीद तो है कि टोल बंद करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से पब्लिक को बहुत तकलीफ होता है, ट्रैफिक जाम होता है। नई सरकार से उम्मीदें हैं कि जो टोल है वो पूरी तरह खत्म होना चाहिए। हम उससे चाहेंगे मैडम साफ सुथरा चीज रखना चाहिए बस, जो चीज़ है सब चीज़ें जो टोल नाका है 25-25, 30-30 बरस से चल रहे हैं मैडम, अभी इनका ख़त्म नहीं हो गया, अभी इनका सब तो अभी भी ये लोग चालू किए हैं। At Vasai right now, which is the hub for the small scale and medium enterprises. According to the statistics, the small scale and medium industries contribute 29% to Maharashtra's GDP. People here say that government has not supported these industries the way it should have. On the outskirts of Mumbai, you'll find the multi-crore small-scale and medium enterprises which are doing brisk business but at the same time reeling with various problems. First and foremost being the multiple taxes which are eating into the profits of the industrialists. Since last 87 to 2014, at 27 years, we were demanding to abolish octroi. Okay. That should be go because the octroi is not ever, nowhere in the India, nowhere in the world today. Second, our demand at present is last 3 years is the local body tax, which all the 27 municipal corporations have implemented in Maharashtra. People are fed up with that tax. This industrial hub is facing acute shortage of water, electricity and bad roads. Hence, industrialists have put forward their demands from the new Maharashtra government. Fridays, we have a complete shutdown of no power at all. So in case if there is some emergency, we cannot do anything on that day. So Friday is just like an off for us. Actually, we are not getting the water at all. For drinking itself, we are not getting any water. We are depending on that bisleri that we are purchasing from outside. If we are getting that water connection for that all the industrial people that we can use our water, then we can not even drinking also. That is the main issue for us. There is no transport. We got a contract bus to bring the people. This is becoming costly for us. And if they are having a regular bus this side, then we can save something.
BJP-led government takes over the mantles of Maharashtra, expectations abound, but there are challenges many. The way the new government will conduct itself over the next 5 years will not only be a litmus test for the state leadership, but also for the centre. Time now to wrap this journey from our entire team, which includes my camera person Shudipto and Dharmendra. Goodbye and thanks for watching.